हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एग्रीकल्चर करेंट अफेयर मई मंथ का। मई के मंथ का जो एग्रीकल्चर का करेंट अफेयर है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मई के मंथ एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सारे आपको इसके अंदर सारे डेज है वो इसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊँगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हुई है इस साल तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, मई मंथ का एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, एग्रीकल्चर करेंट अफेयर इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अभी तक हम जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का कर चुके हैं, मई का मंथ और जून का मंथ कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल जुलाई चल रहा है तो 6 मंथ का आपका करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि एक न्यू हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सोयाबीन कैन हेल्प बूस्ट कंट्री वाइड प्रोडक्शंस। तो सोयाबीन क्रॉप की एक नई वेराइटी डेवलप की गई है जो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस भी है और उसकी यील्ड भी जो और वेराइटीज़ है सोयाबीन की उससे ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनता है कि पहले तो ये एम जो वेराइटी है सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो मैक्स MACS 1407 ये किस क्रॉप की वेराइटी है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे क्योंकि वेराइटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही ऑप्शंस आ जाएगा कि ये जो MACS 1407 ये किस क्रॉप की वेराइटी है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए कि MACS 1407 ये सोयाबीन की वेराइटी है। क्लियर है? अब ये जो वेराइटी है डेवलप की गई थी, कहाँ डेवलप की गई थी, किस इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च चल रहा था, किसके कोलोब्रेशन के साथ ये वेराइटी डेवलप्ड हुई है। तो देखो ये जो वेराइटी है MACS 1407 ये किस किन एरिया के लिए सूटेबल है, कहाँ इसकी ग्रोइंग अच्छे से होती है। तो ये वेस्ट नॉर्थ कंट्री जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, मतलब कि जो हमारे पूर्व के साइड के राज्य हैं ना, उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब उत्तर पूर्व के साथ के राज्य जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ के एरिया के लिए सोयाबीन क्रॉप सूटेबल है। जनरली हम जानते हैं कि सोयाबीन का जो सबसे हाईली प्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है ना। तो हम जनरली ऑप्शंस का किस पे चले जाते हैं, मध्य प्रदेश पे चले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, तो ये मध्य प्रदेश में वेराइटी डेवलप्ड हुई होगी। नहीं, ठीक है, तो किस एरिया के लिए सूटेबल है ये वेराइटी, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए सूटेबल है। अब ये है क्या, अब ये जो वेराइटी डेवलप हुई है ये फार्मर्स को कब अवेलेबल होगी। अभी जो वेराइटी है ये एक ब्रीडर इंस्टीट्यूट या ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इनका रिसर्च हुआ होगा, ये वेराइटी डेवलप हो गई, लेकिन फार्मर्स को कब अवेलेबल होगी, तो फार्मर को ये अवेलेबल होगी 2022 खरीफ सीजन में। ठीक है, 2022 का जो खरीफ सीजन मतलब आज से एक साल बाद, अभी खरीफ सीजन चल रहा है 2021 का, नेक्स्ट ईयर ये फार्मर को सोइंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? अब जो मैक्स के साइंटिस्ट मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, एक है ये ARI इंस्टीट्यूट, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है ये, पुणे महाराष्ट्र में, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये वेराइटी डेवलप की गई। और ये वेराइटी डेवलप करने में इसका हेल्प किसने की, इसकी हेल्प की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR न्यू दिल्ली ने, याद रखना है। ये वेराइटी किसने डेवलप की, तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र ने डेवलप की, किसके कोलोब्रेशन के साथ, तो यहाँ कोलोब्रेशन किसके साथ हुआ, ICAR के साथ। और ये जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये किसका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, याद रखना। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और इसने कोलोब्रेशन किसके साथ किया, ICR के साथ कोलोब्रेशन करके ये वेराइटी डेवलप की है। क्लियर है? और आगे इसमें देखते हैं इस वेराइटी के अंदर क्या है, इसको डेवलप करने में उन्होंने कौन सी मेथड यूज़ की। तो जो परंपरागत जो ब्रीडिंग मेथड है, क्रॉस टेक्निक है, कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक इन्होंने यूज़ की इसको डेवलप करने में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस टेक्निक के थ्रू इसको डेवलप किया गया है, तो कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। क्लियर है? इसकी इल कितनी है, इन्होंने चेक किया रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि ये जो है पर हेक्टेयर लगभग 40 क्विंटल प्रोडक्शन इसका है, जो बाकी वेराइटियों से ज़्यादा है। कितना, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका क्या है, उत्पादन है, हाई यील्डिंग है। दूसरी चीज़ है सोयाबीन के अंदर जो भी मेजर इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस है, जैसे गर्डल बीटल लगता है, लीफ माइनर, रीफ लॉरल स्टेम फ्लाई, एफिड फ्लाई, वाइट फ्लाई और डिफोलिएटर्स, ठीक है,
ये सारे इंसेक्ट के प्रति ये रेजिस्टेंस भी है, मतलब बहुत ही अच्छी एक वैरायटी इन्होंने डेवलप की है, बट ये जो है एक पर्टिकुलर एरिया में ही शोइंग इसकी सुटेबल है, जैसे कि इन्होंने बोला नॉर्थ और जो ईस्टर्न स्टेट है वहीं पे ग्रो कर सकते हैं इसको, क्लियर है, वहाँ के लिए सुटेबल है। तो 40 क्विंटल के लगभग इसका प्रोडक्शन है, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो ये वैरायटी है, ये जो और भी जो बेस्ट चेक वैरायटी है उससे 17% ज़्यादा यील्ड इसका देखा गया है, जो भी जो चेक्ड वैरायटी है बेस्ट वैरायटी है उससे 17% ज़्यादा इसका क्या देखा गया है, यील्ड देखा गया है, और लगभग 14 से 19% यील्ड एडवांटेज इसका क्वालिफाइंग वैरायटी से ज़्यादा है, 14 से 19%। अब ये जो है इसको कब किस टाइम पे सोइंग कर सकते हैं, हम सोइंग सीजन भी हम पढ़ते हैं ना, जब हम क्रॉप का पैकेज हम प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं कि भाई राइस की क्रॉप हम अटमन मार्च अप्रैल जनवरी नवंबर दिसंबर किस मंथ में इसकी सोइंग करते हैं, तो ये खरीफ क्रॉप है सोयाबीन, हमको पता है कि जून जुलाई में खरीफ सीजन होता है, लेकिन जून जुलाई में कब इसको सोइंग करेंगे, तो इसकी सोइंग जो है बेस्ट मानी जाती है 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक, जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता है 20 जून से 5 जुलाई, तो ये टाइम आपको याद रखना है। अब याद देखो इसमें 50% जो फ्लावरिंग है वो 43 डेज में ही आ जाती है, लगभग 40 से 45 दिन में इसकी क्या आ जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है, और लगभग 105 दिन में ये क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, कितना लगभग 105 दिन के अंदर ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पे भी चीज़ है कि 50% फ्लावरिंग इसकी 43 दिन के अंदर ही आ जाती है और 100 से 105 दिन के अंदर ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है, मतलब ये वैरायटी मैच्योर हो जाती है। तो ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी जो है अभी डेवलप की गई है इन इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो मैक्स 1460 डेवलप की गई है। कोलोब्रेशन भी याद रखना है किसके कोलोब्रेशन से, आईसीआर के कोलोब्रेशन के साथ ये डेवलप की गई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूना डे 2021, ठीक है, विश्व हम टूना डे मनाते हैं 2021, मतलब एवरी ईयर मनाते हैं, कब मनाते हैं तो 2 मई, 2 मई को हम विश्व टूना दिवस मनाते हैं। टूना एक क्या है, फिश की स्पीसीज है, टूना क्या है, फिश है, मछली है। अब इसका हम दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसका जो मांस होता है, मीट होता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है और उसका उपयोग खाने में बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे, जापान और भी कंट्रीज़ में। तो इस स्पेसिस के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, इसकी प्रजाति ख़त्म होने से बचाने के लिए हम 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं, क्लियर है। और इस साल जो विश्व टूना दिवस की थीम क्या रखी गई थी, ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्राइबलाइजिंग थ्रू टफ टाइम, क्लियर है, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है और 2021 में उसकी थीम क्या थी, ग्लोबल टूना इंडस्ट्रीज ट्रेबलाइजिंग थ्रू टफ टाइम। और मेन रीज़न क्या है इसका, इसमें लोगों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं। क्यों किस प्रकार की अवेयरनेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है मीट में यूज़ होती है, मांस के अंदर यूज़, खाने में यूज़ होती है, क्योंकि इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट बहुत टेस्टी होता है। इस वजह से लोगों के अंदर इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, इसकी प्रजाति खत्म होने से बचाने के लिए ये हम डे सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर। आगे और भी ऐसे डेज आते रहेंगे जिसको हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है यूएन ने वो आ चुकी है। अब उस रिपोर्ट में क्या है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो 2019-20 में जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई है, कोविड जो कोरोना वायरस था, उसकी वजह से हम फॉरेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है। ये उन्होंने बोला कोविड-19 पेंडेमिक एग्रीवेटेड चैलेंजेस फेस बाय द कंट्री इन द मैनेजिंग देयर फॉरेस्ट। तो जितने भी कंट्रीज है जहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो अपने फॉरेस्ट का मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है ड्यू टू द कोविड-19 इशू की वजह से, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसको प्रिपेयर करती है, ये भी याद रखना है। और टोटल जो हमारे ग्लोबल पॉपुलेशन है, लगभग 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, उसमें से 1.6 बिलियन पीपल, मतलब बोल सकते हैं कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 25% जो पॉपुलेशन है, 1.6 बिलियन या टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 25% पॉपुलेशन जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, मतलब उनका जो लाइवलीहुड, उनका जीवन है या उनका रोजगार है या जो उनकी आय है, किस पे निर्भर है, फॉरेस्ट पर निर्भर है। और कोविड-19 की सिचुएशन में हम फॉरेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी लाइफ जो है अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये ग्लोबल रिपोर्ट का कहना है। कितने, 1.6 बिलियन पीपल, मतलब टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 25% जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, उनकी आजीविका, उनका जीवन, उनकी आवश्यकताएं फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है।
ओके तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गई थी उसकी वजह से। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी जो वर्ल्ड की जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 1.6% पॉपुलेशन जो है फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है, और जो पिछले 2 सालों में कोविड की सिचुएशंस रही है उसमें हम फॉरेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो इनकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट हुई है। फिर जो एक्सट्रीम पुअर हैं रूरल एरियाज़ में, 40% लाइफ जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब लगभग 40% लोग कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ जो है फॉरेस्ट के अंदर ही है। और टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में 20% पॉपुलेशन करीब अप्रोक्सीमेट जो है वो फॉरेस्ट पर ही निर्भर है या फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। इंडिया की बात करें तो हम लगभग 20,000 फॉरेस्ट का एरिया या फिर हम ट्री का एरिया बोल सकते हैं, बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं इंडिया, ठीक है, एड्स 20,000 ऑफ हेक्टेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पर ईयर, मतलब हम हर साल लगभग 20,000 हेक्टेयर जो है एरिया हम बढ़ा देते हैं फॉरेस्ट में। अब एक्चुअल कंडीशंस क्या है तो ये तो ग्राउंड रिपोर्ट बताती है, बट ये तो है सब, ये ग्लोबल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है ये, तो इसको हम गलत भी नहीं बोल सकते। देन इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की बात करते हैं, ठीक है, 2021 की अभी आई नहीं है क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, शायद आ भी जाए तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया कितना है इंडिया के अंदर, 24.56%, इसको याद रख लेना है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी प्रेजेंट में इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया या ट्री कवर एरिया दोनों मिलाकर कितना है, 24.56% है। एरिया वाइज सबसे आगे कौन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, क्लियर है। परसेंटेज वाइज में भी मणिपुर है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिपोर्ट 1988 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए फॉरेस्ट, ग्लोबल जो हमारी जियोग्राफिक एरिया है, जियोग्राफिक एरिया का कितना परसेंट होना चाहिए, 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। अपने इंडिया का जो एरिया उसके अकॉर्डिंग कितना है, 25% के आसपास है, अभी भी हम करीबन 8% पीछे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा एरिया हम कवर करते हैं फॉरेस्ट का, और उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, क्लियर है। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट जो उन्होंने क्या किया, ग्लाइफोसेट को पूरी तरीके से बैन कर दिया। ग्लाइफोसेट क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, खरपतवार नाशी है ना, हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, जो खरपतवार को मार देता है, मतलब ये नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव मतलब सभी प्रकार के हर्ब्स को, सभी प्रकार की क्रॉप घासें सबको मार देता है। इसको अपन कब यूज़ करते हैं, खाली क्रॉप, मतलब जब हम सोइंग नहीं करते उससे पहले खेत के अंदर यूज़ करते हैं, जितनी भी प्रकार की हर्ब्स होती है, जितनी भी प्रकार की क्रॉप वीड्स फर्टिलाइजर होते खरपतवार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो तेलंगाना ने इसको नष्ट क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। ग्लाइफोसेट क्या है, एक तो कॉन्ट्रोवर्शियल हर्बिसाइड है, जो कहाँ पर होता है, मोस्टली कॉटन फार्म में यूज़ होता है, कॉटन फॉप के, कॉटन के अंदर जो वीट होते हैं उसको नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इस ये कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मतलब हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, मानव के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और जो तेलंगाना के अंदर जो कॉटन की बीटी कॉटन, HTBT कॉटन का जो कल्टिवेशन होता है वो लीगल तरीके से होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको बैन किया गया है। तो ग्लाइफोसेट जो है बैन कर दिया गया है तेलंगाना ने, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है, मतलब एक तरह का ऐसा जहर है जो मानव को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, एक मिनट, तो इसको बैन कर दिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, क्लियर। ग्लाइफोसेट एब्जॉर्ब, ये जो है वही मैंने बताया कि वहाँ पे जो HTBT कॉटन, HT मतलब हर्बिसाइड, इसको HTBT बोलते हैं, HT मतलब हर्बिसाइडल टॉलरेंट, BT आप जानते हैं बेसिलस थुरिंजेंसिस, तो वहाँ की इनलीगल जो कल्टीवेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको बैन किया गया। ग्लाइफोसेट जो होता है, ग्लाइफोसेट जो होता है वो प्लांट की लीव में एब्जॉर्ब होता है, रूट से नहीं होता है, लीव्स में एब्जॉर्ब होता है, रूट्स में नहीं होता है, लीफ में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। 2015 ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लाइफोसेट को सेकेंड कैटेगरी के अंदर रखा था, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक इन ह्यूमंस, मानव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट इसको बैन कर दिया है। अब हमारा जो IPPS AFO मेंस का कोर्स हम यहाँ पे रन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव कोर्स है, 150 प्लस आपको यहाँ पे PDF मिलेगी, जो PDF आप डाउनलोड करवा सकते हैं, उस PDF को आप प्रिंट भी ले सकते हैं, क्लियर। ये जो है सबसे बेहतरीन फीचर्स है हमारी ऐप के अंदर। फिर आप 100 प्लस वीडियो जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो। 80 प्लस आपको टेस्ट हम देंगे, करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। 12,000 प्लस वन लाइनर आपको लास्ट मिनट में देंगे एग्जाम के कुछ दिन पहले, ताकि आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सके। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे IBPS AFO के, उसकी भी सीरीज़ यूट्यूब पर चल रही है। ये कोर्स आप सिर्फ
499 में ले सकते हैं अप टू 31 जुलाई, 31 जुलाई 2021 तक हमारे इस कोर्स की प्राइस जो है 499 नहीं रहेगी। उसके बाद इस कोर्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 999। याद रखना ये जो ऑफ़र हम चला रहे हैं ये 31 जुलाई तक रहेगा। आप IBPS FO की क्या ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं मेंस की, उसमें भी आपको 80+ टेस्ट मिलेंगे। उसकी जो फिलाई है 31 जुलाई तक वो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसके बाद इसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, 200 रुपीज़। तो ये सारे फीचर्स है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट लिखवा निकलवा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल रही है। ये 31 जुलाई तक ऑफर रहेगा। और भी हमारे कुछ टेस्ट सीरीज है जो UPPGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। TGT के लिए 20+ टेस्ट है और PGT के लिए 25+ टेस्ट है, दोनों हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में है। इसको लेने के लिए आप हमारी एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। इसकी प्राइस भी हमने मात्र 100 रुपीज़ लिखी है, सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी तक इसमें हम टोटल 8 टेस्ट ऐड कर चुके हैं, 8 टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 8 टेस्ट ऑलरेडी ऐड है इसके अंदर। आप जाके डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर पर। पर्वत धारा स्कीम जो है ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। याद रखना किस स्टेट की है, हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो पानी है, वाटर है, उसको हमें सेव करना है, उसको हमने बचाना है, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना है, ताकि हम क्या करें, जब हम बोरवेल के थ्रू या जो वेल के थ्रू है पानी को यूटिलाइज़ कर सकें, हमारा जो है रिचार्ज है या एक्वीफर से उसको हम रिचार्ज कर सकें, ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकें। तो पर्वत धारा स्कीम जो है 2 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, 2 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया पर्वत धारा। किसके लिए, तो रिज्यूवेनेटिंग ऑफ वाटर सोर्स स्टेट एज वेल एज रिचार्जिंग द एक्वीफायर्स। जो वाटर है उसको भी हमें क्या करना है, बचाना है, और जो एक्वीफर्स है उसको रिचार्ज करना है। एक्वीफर्स होता क्या है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लीजिए एक्वीफर्स होता क्या है। ठीक है, ये मान लो ये बारिश की बूंदें भी आती है, बारिश जब होती है ना, ये बारिश जब होती है तो ये जो पानी है कुछ तो ऐसे जाता है, कुछ ग्राउंड वाटर नीचे जाता है, तो यहाँ पे जो एरिया बनता है, जो ग्राउंड से होकर जो वाटर आता है, एक तो ये एरिया बनता है, फिर यहाँ पे क्या जाती है, सोइल की लेयर्स आ जाती है, देन फिर यहाँ पे आपको ये ग्राउंड वाटर मिलेगा, देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो एरिया मिलता है वो आपको मिल जाता है वाटर टेबल, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो आता है पानी पूरा बह के जो नीचे सोइल के थ्रू, पोरस सोइल मतलब बोल सकते जो परमिएबल रॉक्स होती है ना, तो ये जो होता है कन्फाइंड इक्वीफर्स होता है, और ये जो होता है वो अनकन्फाइंड इक्वीफर्स होता है। ठीक है, तो जो अनपरमिएबल मतलब परमिएबल रॉक्स होती है, जिसके थ्रू पोरस जो सोइल होती है उसके थ्रू पानी जो है नीचे की तरफ चला जाता है, किसकी तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे तो ये हो गई वापस, यहाँ पे क्या आती है, ये परमिएबल रॉक्स है, यहाँ से पानी जो है रिस कर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे वाटर टेबल है, ये नदी वगैरह रिवर्स वगैरह का यहाँ पे वाटर है। जब हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं तो यहाँ से इस वापस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इक्वीफर का मतलब ये होता है कि जो पोरस सोइल होती है या जो परमिएबल रॉक्स होती है उसके थ्रू जो पानी नीचे की तरफ चला जाता है उसको हम वापस यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे, बोरवेल की तरह, वेल करके या बोरवेल करके उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुएं के थ्रू या उसके थ्रू, तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, वही यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू बताया गया है। तो दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए इनको 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो एक नोडल डिपार्टमेंट है इसके लिए, याद रखना इम्प्लीमेंट कर रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, जल शक्ति। और अभी तक टोटल इसमें लगभग 2.7 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च कर दिए इस स्कीम के अंदर। क्लियर है, तो पर्वत धारा योजना 2 मई 2021 को लॉन्च की थी, हिमाचल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, किसके लिए, रिजुवेनेटिंग ऑफ वाटर एंड बोल सकते हैं कि जो रिचार्ज ऑफ इक्विपर्स। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा को सिलेक्ट किया गया कि डिजिटल पार्टनर बाय इनाम। कोटक महिंद्रा जो है बैंक है उसको एज ए डिजिटल पार्टनर सिलेक्ट किया है इनाम के लिए। इनाम क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था, एक ट्रेडिंग पोर्टल बोल सकते हैं। तो इसके लिए पेमेंट पार्टनर के लिए किसको चुना गया? कोटक महिंद्रा बैंक को। कोटक महिंद्रा अनाउंस हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर फार्म प्रोड्यूस। जितने भी फार्म के प्रोड्यूस हैं, अपना वीट वीट जितनी भी हम ई नाम के थ्रू करते हैं, सबके लिए डिजिटल पार्टनर कोटक महिंद्रा को बनाया गया और ये पहला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पोर्टल है, याद रखना। क्लियर है? क्या फैसिलिटीज़ देगा ये? ऑल स्टॉक होल्डर ई नाम के जितने भी पोर्टल पे ऑल स्टॉक होल्डर है, जैसे फार्मर हो गया, ट्रेडर हो गया, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जितने भी, ये सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। पार्टनरशिप थ्रू पार्टनरशिप कोटक महिंद्रा विल भी प्रोवाइड किया, पेमेंट देगा, क्लियरेंस देगा, स्टेटमेंट सर्विस देगा ई नाम प्लेटफॉर्म पर, और स्मूथ ट्रेडिंग बिटवीन बायर एंड सेलर एग्री प्रोड्यूस। बायर और सेलर के बीच में जो एग्री प्रोड्यूस को लेके जो भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा या उनका लेन देन होगा, वो स्मूथली वो प्रोवाइड करवाएगा। कोटक महिंद्रा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम्स पोर्टल डायरेक्टली विद दी पेमेंट इंटरफेस ऑफ ईनाम। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये क्या है, एक तो क्विक रिस्पॉन्स करेगा, देन और ये क्या है, सेफ है। इसमें ट्रांजेक्शन सेफ तरीके से होगा, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये आपको सीधा यहाँ से रखना कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है डिजिटल पार्टनर है ई नाम का, और पहला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिजिटल पार्टनर है अपना कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे हम हर साल मनाते हैं 16 मई को हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। 2021 में जो हम मना रहे हैं वो 14वां वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे है, याद रखना। 2021 में कौन सा मना रहे हैं, 14वां वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मना रहे हैं। इस अवसर पर जो 14 एग्री टूरिज्म डे मना रहे हैं, उस अवसर पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसका एक कॉरपोरेशन है, कौन सा, एग्री टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, उसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री टूरिज्म पर कंडक्ट की थी। ठीक है, जो 14वां वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जा रहा था, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्री टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है, उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस पे की थी, एग्री टूरिज्म के ऊपर। 2021 में इसकी थीम क्या है, रूरल वुमन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू द एग्री टूरिज्म, ये इसकी 2021 की थीम है। नेक्स्ट, नेशनल बम्बू मिशन रिसेंटली अनाउंस द MIS टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्रीज। अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है नेशनल बम्बू मिशन ने क्या किया है, एक MIS लॉन्च किया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब कि जितने भी अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ है या उसके कंज्यूमर्स हैं, उसकी स्टिक कहाँ मिलेगी, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है MIS के थ्रू मिल जाएगी, ताकि रॉ मटेरियल कितना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड कितनी है, सब कुछ ईजिली पता हो जाए, है ना। तो ये क्या करेगा, इट विल कलेक्ट डाटा अबाउट कि अगरबत्ती प्रोडक्शन के प्रति डाटा कलेक्ट करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लोकेशन ऑफ स्टिक मेकिंग यूनिट, जो स्टिक मेकिंग यूनिट है उसकी लोकेशंस बताएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बताएगा, फंक्शनिंग ऑफ यूनिट और इस यूनिट की फंक्शनिंग बताएगा। एक्ट इंटरमीडिएटरी, ये MIS जो है एक बिचौली की तरह काम करेगा प्रोडक्शन यूनिट और अगरबत्ती इंडस्ट्रीज के बीच में। तो सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन यूनिट है और अगरबत्ती इंडस्ट्रीज है उनके बीच में ये क्या बना कर रहा है कि इंटरफेस इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, कितना रॉ मटेरियल है, स्टिक का लोकेशन कहाँ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, सब इंफॉर्मेशन वो देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैप को फुलफिल करेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेशनल बम्बू मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। नेशनल बम्बू मिशन हम सब ने पढ़ा, नेशनल बम्बू मिशन जो है 2006-07 के अंदर आया है, क्लियर, कहीं कहीं 2004-2005 भी मिलेगा, पर 2006-07 में नेशनल बम्बू मिशन आया है। लेकिन अभी आप अगर मान लो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे नेशनल बम्बू मिशन के, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च हुआ है 2018, और डेट बता दूँ मैं आपको तो 18 अप्रैल 2018, ठीक है, ये डेट है, शायद डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, पर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि हमने पढ़ा नेशनल बम्बू मिशन 2006-07, पोर्टल बता रहा है नेशनल बम्बू मिशन 18 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे बताऊँ आपको कि 2018 में नेशनल बम्बू मिशन को री लॉन्च किया गया है, याद रखना, री लॉन्च मतलब इसका स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर इसको किया गया है। एक्चुअल में ये लॉन्च कब हुआ था, 2006-07 में, लेकिन इसका रिवाइज, ये जो मिशन है इसको रिवाइज किया गया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके जो पॉलिसी उसमें चेंजेस किए गए हैं, मतलब इसको फिर से लॉन्च किया गया है 2018 में। तो याद रखना क्या पूछा है, रीस्ट्रक्चर पूछा है या री लॉन्च कब हुआ ये पूछा है, तो 2018 आपको लगाना है, क्लियर है। आप चाहो तो नेशनल बम्बू मिशन के पोर्टल पर जाके देख सकते हो अबाउट में,
तो वहाँ पे आपको 2018-19 ही मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पुणे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया। सीधी सी बात क्वेश्चन यही से बन रहा है कि यह सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया ये क्वेश्चन बनेगा, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, किसके एसोसिएशन से, नेशनल बैंक मतलब नाबार्ड के एसोसिएशन से इसको लॉन्च किया गया है या इस्टेब्लिश किया गया है। किसके एसोसिएशन से, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 12 जुलाई 1982 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर महाराष्ट्र पुणे में खोला गया, महात चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के द्वारा खोला गया। किसके एसोसिएशन से, नाबार्ड बैंक के एसोसिएशन से, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेंटर वाज इनोग्रेटेड, इसको किसने इनोग्रेट किया, तो GS रावत जो थे चिप मैनेजिंग डायरेक्टर है नाबार्ड के पुणे रीजन ऑफिस के, याद रखना पुणे रीजन ऑफिस के, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया। फिर वही अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर विल बी वर्क एज ए वन स्पोर्ट सेंटर की तरह ये काम करेगा। जितने भी महाराष्ट्र से जितने भी हम प्रोड्यूस को एक्सपोर्टर है, महाराष्ट्र के जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट, उनके पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को जो है बूस्ट फ्रॉम द रीजन, उस रीजन में बूस्ट करेगा, और ग्लोबल स्टैंडर्ड या जो हम वर्ल्ड लेवल पर है उसको लाने की कोशिश की जाएगी सेंटर के थ्रू। फिर इंडियाज हो चुका है ये, नेक्स्ट वर्ल्ड बी डे, वर्ल्ड बी 2021, वर्ल्ड बीजे 2021 कुछ है, सीधी सी बात है, वर्ल्ड बी 2021 हम कब मनाते हैं, तो 20 मई 2021 को मनाते हैं। इस साल इसकी थीम क्या रखी गई थी, रखी गई थी बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बी, बी इंगेज्ड बिल्ड फॉर बेटर फॉर बी 20 मई 2021 को मनाया गया था। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इस ओकेशन पर, इस दिन पर, ठीक है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा वर्ल्ड बी के दिन पर या उस ओकेशन पर, ठीक है, यहाँ पे क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, और इस महोत्सव में जो हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। क्या प्रोजेक्ट, कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को हमें सेटअप करना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा उसे छोड़ दो, कि दिस ईयर वर्ल्ड बी इज द फादर ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ COVID-19 स्प्रेड वगैरह, सारी चीज़ें COVID-19 की सिचुएशन में वो छोड़ो, मेन तो ये है कि सबसे पहले कब मनाया जाता, 20 मई 2021 को, और इस दिन जो है इन्होंने एक महोत्सव मनाया, कौन सा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इस दिन हमारे जो एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। क्या प्रोजेक्ट, कि हनी बी टेस्टिंग लेबोरेटरी हमें इस्टेब्लिश करना है कहाँ पे, IARI न्यू दिल्ली में, बस इतना ही काफ़ी है इसके अंदर। फिर इंटरनेशनल टी डे 2021, इंटरनेशनल टी डे हम 21 मई को मनाते हैं, ठीक है, 21 मई को मनाते हैं। 2021 की थीम क्या थी, टी एंड फेयर ट्रेड 2021 की थी। कब से हम मना रहे हैं, तो याद रखना 15 दिसंबर 2005 टी प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो सेलिब्रेटेड करती थी इसको, इंटरनेशनल टी डे 15 दिसंबर 2005, याद रखना। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्री उसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, बहुत सारी कंट्री है, जो 15 दिसंबर 2005 को इन्होंने इंटरनेशनल टी डे मना रहे थे। 2015 को जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल जो है भेजा किसको, यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, 2015 में एक प्रपोजल भेजा, वो यूनाइटेड नेशन ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कब, 21 दिसंबर 2019 को उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और 21 मई को एवरी ईयर जो है इंटरनेशनल टी डे मनाया जाएगा ये उसने डिसाइड कर दिया। तो 21 मई 2020 को हमने पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया था। क्यों मनाया था पहली बार, क्योंकि भैया 2019 में, 21 दिसंबर 2019 में इन्होंने UN ने या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, और 21 मई को उन्होंने इंटरनेशनल टी डे घोषित किया था। तो जो 19 में दिसंबर में किया, तो 20 में पहली बार मनाएंगे इंटरनेशनल टी डे, और 2021 में दूसरी बार मना रहे हैं। पहली बार कब मनाया गया था ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री के द्वारा, तो 15 दिसंबर 2005 को ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के द्वारा, याद रखना। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज अलॉटेड 2250 करोड़ फॉर दी
रियलाइजिंग द हग पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर अपने आप में जो है फार्मर की इनकम्स को बढ़ाने में या डबल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो हाई कॉस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें हमें हाई यील्ड भी मिलती है और हाई इनकम भी मिलती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने लगभग 2250 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स को अलॉट किए 2021-22 ईयर के लिए। जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मिशन है, 2014-15 में ये मिशन को लॉन्च किया गया था, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो 2005 है उसी को इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो इस मिशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इस मिशन को 2250 करोड़ रुपए दिए गए। मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड MIDH विद इफेक्ट ऑफ 2015 से ये शुरू हुई है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फूड, वेजिटेबल, रूट्स एंड सारी, ये आप सब जानते हो कौन कौन से हॉर्टिकल्चर के अंदर चीज़ें आती है। नाबार्ड हैज़ प्रोवाइडेड 1236 करोड़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2021 के लिए। नाबार्ड ने 1236 करोड़ दिए किसके लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, वही लिखा है, 1236 करोड़ दिए किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसमें रोड, ब्रिज वगैरह ये सब आते हैं, किसको दिए? स्टेट ऑफ आसाम को, ये याद रखना है, किसको दिए? स्टेट ऑफ आसाम को 1236 करोड़ रुपए नाबार्ड ने आसाम को दिए है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। नाउ मोमार्ट मार्केटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। मोमा जो मार्केटिंग मोबाइल ऐप जो है वो मणिपुर के जो सीएम है बीरेन साहब जो है मणिपुर के सीएम है, उन्होंने जो है मोमा एप्लीकेशंस को डेवलप करवाया। क्यों डेवलप करवाया? क्योंकि अभी COVID-19 की सिचुएशन में क्या हो रहा था, लोगों को वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मार्केट नहीं जा पा रहे थे, और मार्केट में जो था क्या था, इसका सेल डिस्ट्रेस हो गया, मतलब कि जितनी भी माल या किसान जो है वेजिटेबल लेके आ रहे थे वो बिक नहीं पा रही थी क्योंकि ले नहीं पा रहा था। दूसरी चीज लिमिटेशंस क्या थी कि लोग टेलीफोन कॉल से ऑर्डर दे रहे थे तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे कि उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल मोमा मार्केट ऐप, मोमा का मतलब होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ये डेवलप की। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सोयल कंजर्वेशन मणिपुर हैज़ बीन असाइन टू द वर्क ऑफ दिस एरिया एंड चैनलाइज दिस फॉर द प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर होम डिलीवरी सो डेट वेजिटेबल लॉसेस कैन बी प्रिवेंट एंड ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द COVID-19। तो जो वेजिटेबल का लॉसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अवॉइड स्प्रेड ऑफ द COVID-19 को फैलने से भी बचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये मोमा मार्केटिंग ऐप लॉन्च कर दी। टेलीफोन से ऑर्डर ले रहे थे लेकिन हग नंबर ऑफ कॉल की वजह से या रिकॉर्ड कीपिंग लेबर की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग की वजह से बहुत सारा यहाँ पे क्या आ रहा था, डिफिकल्टीज आ रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया, मोमा मार्केट एक डेवलप कर दी, जिससे क्या हुआ, जैसे उसके थ्रू ऑर्डर आते थे वो क्या करता था, होम डिलीवरी देते थे फ्रेश वेजिटेबल्स की। बिहार शाही लीची एक्सपोर्ट यूके, बिहार की जो शाही लीची है उसको एक्सपोर्ट किया गया यूके में बाई एयर रूट से, ध्यान रखना। पहला कंसाइनमेंट जो है GI सर्टिफाइड शाही लीची है, इसको GI टैग मिला हुआ है, ग्राफिकल इंडिकेशंस मिला हुआ है। फर्स्ट कंसाइनमेंट बिहार से यूके भेजा गया है 24 मई 2021 को बाई एयर रूट से, मतलब बिहार की जो शाही लीची है जिसको GI टैग मिला है, कब मिला है, 2018 में इसको GI टैग मिला है, इसको बिहार से कहाँ भेजा, यूके एयर रूट के थ्रू भेजा गया। कब, पहला कंसाइनमेंट 24 मई को भेजा गया। इसको GI टैग कब मिला है, 2018 में। GI टैग के बारे में बता चुका हूँ, GI क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जो एक ब्रांड होता है, कोई प्रोडक्ट होता है उसकी ओरिजिनिटी या जहाँ वो उत्पत्ति, जहाँ पर वो पैदा होता है, उस एरिया या उस लोकेलिटी को एक पहचान देने के लिए हम GI टैग देते हैं। बिहार के अंदर टोटल 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है, और ये जो शाही लीची है ये चौथा है। 3 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो एक मगही पान है, जरदालू मैंगो है, और कतरनी राइस है, 3 और प्रोडक्ट है जिनको GI टैग मिला है बिहार के अंदर। थर्ड एडवांस एस्टीमेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, थर्ड एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रिंसिपल को। थर्ड एडवांस एस्टीमेशन में टोटल फ्रूट गेन 305.44 मिलियन टन, राइस का 121.46 मिलियन टन, वीट का 108.75 मिलियन टन, न्यूट्री का 49.66, मैच का 30.24 मिलियन टन, पल्सेस का 25.58 मिलियन टन, और 4.14 मिलियन टन तुअर का, अरहर का, ग्राम का 12.61 मिलियन टन। ये सारे डाटा आपको रटने हैं, इसमें कुछ याद करने लायक या बताने लायक कुछ नहीं है। ऑयल सीड का 36, ग्राउंड नट का 10, सोयाबीन का 13.44, रेपसीड मस्टर्ड का लगभग 10 मिलियन टन, शुगर केन का 392 मिलियन टन, कॉटन का 36.49 मिलियन टन, जूट और मेस्टा का 9.62 मिलियन टन। देखो, इसको याद रखने के लिए सबसे पहली चीज, एक कॉपी के अंदर चार्ट बनाना, उसके अंदर फर्स्ट एस्टिमेशन,
का लिख लेना डाटा, फिर सेकेंड कॉलम में सेकेंड एस्टिमेशन का, थर्ड कॉलम में थर्ड एस्टिमेशन का, और फोर्थ एस्टिमेशन जब आ जाएगा तो फोर्थ एस्टिमेशन का, और देन फाइनल एस्टिमेशन का। आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले में कितना था, दूसरे में कितना था, तीसरे में कितना था, चौथे में कितना, और फाइनल में कितना है, और एक लास्ट ईयर का 2019 का फाइनल। टोटल 6 कॉलम बनेंगे, तो आप कंपैरिजन करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी और इजीली याद कर पाओगे, ऐसे तो कंफ्यूजन होगा। थर्ड एडवांस एस्टिमेशन में फूड ग्रेन कितना हुआ, 350, जो पहले से कितना ज़्यादा था, लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर ज़्यादा, 8 मिलियन टन ज़्यादा था। कंपैरिजन भी है यहाँ पे, तो कंपैरिजन को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉपी के अंदर कॉलम बनाओ, 2019 का फाइनल लिखो, 21 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइनल लिखना, ठीक है। राइस कितना था, 121, कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया, पहले कितना था, 12 था, ठीक है। वीट कितना, 108, पहले कितना बढ़ा, 8.32 कितना था, 100 था। इस तरीके से कंपैरिजन आप देख लेना, क्लियर है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये डाटा आपको सीधे रटना है। अब आते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं, 22 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम मनाते हैं 22 मई को, और इसी दिन को ये इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी अवार्ड हम देते हैं 2021 को। तो फर्स्ट राउंड इस अवार्ड का कब हुआ था, 2012 में पहली बार अवार्ड दिया गया था, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, और इस अवार्ड में लगभग 2 लाख रुपये का क्रेश प्राइस दिया जाता है, नगद राशि दी जाती है। इंडिविजुअल दे भी देते हैं और इंस्टीट्यूशनल में भी देते हैं। तो क्या है इंडिविजुअल में, देखो इंडिविजुअल में इस बार 2021 में जो मिला है वो मिला है साजी, एनएम साजी को। एनएम साजी को कैटेगरी क्या, कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए एनएम साजी को ये इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। इनको ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी कहते हैं, याद रखना, इनको ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी कहा जाता है एनएम साजी को। इन्होंने रिसीव 7 स्टेट अवार्ड भी इनको मिले हैं, अलग अलग स्टेट 7 स्टेट अवार्ड भी इनको मिला है। कंजर्वेटिंग लगभग 200 ट्यूबर क्रॉप को इन्होंने कंजर्व किया है उनके फार्म पर, इंक्लूडिंग उसके अंदर याम है, एलिफेंट फूट याम है, लेजर याम है, एरो रूट स्वीट पोटेटो है, चाइनीज पोटेटो है, एंड कोलोकेशिया है। इतनी सारे इन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज को कंजर्वेशन किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ जो है कुछ इंस्टीट्यूशन है, एक तो है कृषि आवाम पारिस्थितिकी विकास संस्थान, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। लैंडिंग सपोर्ट टू कम्युनिटीज इन द रिस्टोरिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रिचार्ज वेल एंड वाटर टेबल, अलॉन्ग विद द प्लानिंग ऑफ मिलियन लोकल वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड कैंस के लिए इनको दिया गया है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है KNCTC, कोनामा नेचुरल कंजर्वेशन एंड ट्रोगापान सेंचुरी, इसको भी सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए दिया गया है। मेंटेनिंग द बायोसिटी इन द कोनामा एरिया विच इज़ इनहेबिटेड बाय द सेवरल इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इनको दिया गया है। तो ये तीन आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैटेगरी भी और किसके लिए दिया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन विल लॉन्च नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया जो है, नैनो इन मार्केट जून 2021 तक, अगले महीने तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब जून में। तो 500 ml नैनो यूरिया जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, 45 kg जो नॉर्मल यूरिया उसके बराबर है। देखो 500 ml नैनो यूरिया ही 45 kg के बराबर है। 500 ml यूरिया की जो नैनो यूरिया की जो कीमत है वो 240 रुपये, वो लगभग 15% 10% जो है कम है इससे। अपार्ट फ्रॉम द इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फार्मर, 15% तो ये कॉस्ट कम कर रहा है फार्मर की, और 20% क्या बढ़ाएगा, ये यील्ड भी बढ़ाएगा, ये इसके एडवांटेज है। फिर दो तरीके के इसमें आते हैं नैनो यूरिया, एक तो आता है क्विनोल हाइड्रोल मिक्स लिकर, दूसरा आता है मिक्सर ऑफ स्प्रेड टू कैल्शियम साइनामाइट ग्रेन्यूल्स टू फॉर्म नैनो यूरिया। कॉमर्शियल यूज इसका नवंबर 2020 में शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं, ओके आगे और थोड़ा सा लास्ट और, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, ये पहले पायलट प्रोजेक्ट में लगभग टोटल इसके अंदर कितने 53 क्लस्टर को सिलेक्ट किया गया था। तो पहले फेज में ये 12 क्लस्टर पर काम करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। फिर वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो ऑब्जर्व किया है 31 मई को इसको मनाया जाता है। एम क्या है, अवेयरनेस लाना डेंजर टू यूजिंग द टोबैको और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर बेन वन क्वाइट दी स्मोकिंग, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई थी, क्वाइट टोबैको टू बी ए विनर्स, जो टोबैको जो छोड़ेगा उसको क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा, ये थीम रखी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है वो मैं बता दूँ आपको, वो है फर्टिलाइजर
सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी 140% जो है इंक्रीज की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्या थी देखो, पहले सब्सिडी पे कितने 500 रुपये की छूट थी, कितनी थी सब्सिडी पे 500 रुपये की छूट थी, अब इसको बढ़ा के 1200 रुपये की छूट कर दी है। मतलब जो पहले प्राइस कितने थे 1900 रुपये थे, इसमें 700 रुपये और क्या हो गए माइनस हो गए, अब जो बैग मिल रहा है फर्टिलाइज़र को 1200 रुपये में मिल रहा है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें थी मई के महीने करंट अफेयर्स की, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।